जय जगन्नाथ सारस्वत बार्तार अगणा को आपण मानंकु स्वागत। आजिर विषय वस्तु बुद्धिमान ओषारे पूजा पाउथिबा इष्ट देवी इष्ट देवता किए यहाँ को नहीं अनेक गुड़िया लोक अनेक तथ्य दियंती किंतु ताहाकु प्रमाण करिपारंती नाही। मु आज आपणक पाखरे जो तथ्यटी प्रदान करी संपूर्ण रूप से यहाँ मु प्रमाण साध्य करी एवं केउ देवी केउ देवता पूजा पाती आम जिते बड़े कौन सी पूजा पाठ करी थाउ शीलशिलुपुआ दरकार पड़ी थाए जमीती कि मंगन कार्य आम शीलशिलुपुआ व्यवहार करू सेठारे को उद्देश्य पूजा करा जाए ना षठी देवी उद्देश्य पूजा करा जाए थाए षठी ओषार शीलशिलुपुआ ही पूजा करा जाए थाए एवं जिते बड़े सावित्री व्रत पूजा करा जाए थाए सेते बड़े शक्तिशीला बा सावित्री रूप से पूजा करा जाए थाए एवं जिते बड़े आमे चाउल भजा ओषा करी थाउ सेते बड़े मध्य षठी देवी को पूजा करी थाउ एवं चाउल भजा ओषा आश्विन मासर बुधवार रे पड़ी थाए सही ठारे षठी देवी को पूजा करा जाए थाए तेणु करी शील रे ही षठी देवी बास करती आमे प्रत्येक दिन षठी देवी रूप से पूजा करी थाउ प्रत्येक पूर्व ओडिशार बासी माने तेणु करी पूर्व ओडिशा लोक माने प्रत्येक दिन शील पूजा करी थांती एवं शील को षठी देवी रूप से पूजा करी थांती ताहांको पाखरे जो पुओटी थाए बा शीलंकर पुओ जेहेतु माँ पाखरे पुओ सबुबले काखेई होई थाए तेणु करी माँको पाखरे पुओ थाए तेणु करी षठी देवींकर पुओ हेउचंती बामन तेणु करी बुधेय ओसारे जेउ देवी पूजा पांती सिए हेउचंती षठी देवी एवं बामन एवं आपण माने जानिथिबे षठी देवी हेउचंती सबुबले हळदी रंग को पसंद करी थांती तेणु करी तांकु जेतेबले पूजा अर्चना करा जाय थाए सेतेबले हळदिया पुष्प हळदिया वस्त्र रे पूजा अर्चना करा जाय थाए एवं जेतेबले षठी पितुला कटा जाय थाए सेतेबले मध्य हळदी दरकार होय थाए छोटो पिला मानकु सुसज्जित करिवा पई बा तांको शरीर को सुरक्षा देवा पई आमे षठी ओसारे हळदी पूजा करी थाउ एवं छोटो पिला मानकु हळदी लगाइ थाउ प्रथम अष्टमी रे षठी पूजा करा जाय थाए तेणु करी बुद्धिमान इष्ट देवी हेउचंती स्वयं षठी देवी तेणु करी षठी देवी को एठारे पूजा करा जाय थाए एवं बामन रूपी विष्णु को एठारे पूजा करा जाय थाए कुहा जाय कि जदि षठी देवी आद्याशक्ति हुंती तेबे अनादि हेउचंती स्वयं बामन तेणु करी बामन ही एठारे मांको पाखरे गोटिए छोटो पिला रूप रे रही थांती तेबे आपण माने कहिबे एही कथा कोनोसी पुराण रे लेखा जायनी तेबे आमे गोटिए षष्ठी स्तोत्र को पाठ करिबा कौन लेखा हला ना समस्त जीव जननी महाषष्ठी विचिंते तेणु करी षष्ठी देवी हेउचंती समस्त जीवर जननी एवं ताहांको मध्य अदिति कहिले असुविधा हेबो नाही अदिति देवी रूप रे से बामन को जात करथिले तेणु करी षष्ठी देवी मध्य हेउचंती बामनंकर माता तेणुकरी बामनंक माता रूप से षठी देवी पूजा पाई थांती तेबे आमे जदि गोपीनाथ दासंकर बही को पढ़ीबा सेथिरे कौन लिखा है ना विमला माता को स्तुति करिचंती विमला माता हेउचंती आद्याशक्ति ए आद्याशक्ति को स्तुति करिचंती मा आद्याशक्ति मु जो बुद्धिबा मन ओसा कथाटी को लेखुची ताहा संपूर्ण रूप से ठीक भाव रे परिचालित हेउ तुम कंठरे बसी विद्या प्रदान कर तेणु करी मा विमला को से प्रार्थना करी एही ओसाटी को लेखिचंती एवं मा विमला को एहिठारे से प्रवक्ता करिचंती माने विमला देवी ही कहउचंती बुद्धिबामनक कथा तेणु करी बुद्धिबामनकर महिमा को स्वयं विमला ही कहिचंती तेणु करी भाबीबेनी जे विमला एही देवीर इष्ट देवी तेणु करी तांकर मु थरे आपनको पट्टचित्र देखाइथिली पट्टचित्र कथा जदि आपन देखिथिबे विमलांक चित्र हेउची चतुर्भुज रूप रे पूजा पाइथांती एवं बामन बलिबामन होई पूजा पाइथांती तसहित षठी देवी बसिथांती एहिपरि भावरे सेथिरे चित्रण करा जायछि मु मो मनपुरु फांदिबा कथा कहुनी जहा मु चित्र एवं गवेषणा एहि बुद्धिभावन कथा को मु बहुत छोट बेले मोर आग्रह थिला कि ए देवी किए सबुबेले मु ताकु तर्जमा करी चालिथिली किंतु आज से शेष निर्देशटी आपण मानकु प्रदान करूछि तेणुकरी आपण माने मन रखंतु एहिथिरे जो पूजा करा जाउछि एहि देवी को ना हेउछि षठी देवी एवं बामन रूपी पुत्र तांको पाखरे पूजा पाउछंती तेणुकरी बुद्धिबामन ओषार इष्ट देवी हेउचंती माँ षठी देवी बा बुद्धेई एवं
ଶିଳପୁଆରେ ଯେଉଁ ଶିଳପୁଆ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାମନ। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯଦି ବୁଧବାରକୁ ନେଇ ମାଆଙ୍କର ନାମ ବୁଧେଇ ହେଲା ତେବେ ମା ବୁଧଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ତୁଲ୍ୟ, ତେଣୁକରି ନାରାୟଣକୁ ସେ ମଧ୍ୟ କାଖରେ ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମା ଷଠୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବାମନ ରୂପୀ ଛୋଟ ବାଳକକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା କହି ମା ବୁଧି ବାମନକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଓଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁକରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଓଷା ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଧେଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏହିଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ, ମା ଲୋ ତୁ ଯେପରି ତୋର ପୁତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଛୁ ସେହିପରି ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବି ସେ ସୁଖରେ ରହିଥିବ, ତେଣୁକରି ତୋର ଓଷାକୁ ମୁଁ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ବୁଧେଇ ଓଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି କୁହାଗଲା କି ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ସେଥିରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ମା ଷଠୀ ଦେବୀ। ତେଣୁକରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ପାଇଁ ଷଠୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଚାଉଳ ଭଜା ଓଷାରେ ମା ଷଠୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ବୁଧେଇ ଓଷାରେ ମଧ୍ୟ ଷଠୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଚାଉଳ ଭଜା ଓଷା ବୁଧବାର ପାଳନ କରାଯାଏ, ତେଣୁକରି ଷଠୀ ଦେବୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବାର ହେଉଛି ବୁଧବାର। ତେଣୁକରି ବୁଧେଇ ଓଷାରେ ଯେଉଁ ବୁଧେଇ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଷଠୀ ଦେବୀ ଏବଂ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବାମନ। ଏବଂ ମା ଷଠୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ହଳଦୀ କଜଳ କଉଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁକରି ବୁଧିବାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହଳଦୀ କଜଳ କଉଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁକରି ମା ଷଠୀ ଦେବୀ ଏଇଠାରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ କାକୁଡ଼ି, କାକୁଡ଼ି ସହିତ ଉଖୁଡ଼ା, ତେଣୁକରି ମା ମଧ୍ୟ ଷଠୀ ଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଓଷାରେ ଯିଏ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ସେ ସ୍ୱୟଂ ଷଠୀ ଦେବୀ ଏବଂ ବାମନ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଏହି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ସମାଧାନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ସାଧ୍ୟ କରିବି ଯେ ବୁଧି ବାମନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଷଠୀ ଏବଂ ବାମନ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।